जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया अग्रवाल है, वाराणसी महिला व्यापार मंडल में वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ और एक गृहिणी हूँ। प्रिया जी, आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रही हैं, क्या कारण है? सरकार के द्वारा पेट्रोल डीजल के दाम को बढ़ना और गैस के दाम बढ़ाना, ये हम लोगों का सर्वप्रथम हम लोग के किचन पे असर पड़ता है इसका। हम लोग कहाँ से हम लोग मैनेज करेंगे? हम लोग का बजट गड़बड़ा जाता है, घर में बूढ़े माँ बाप हैं, बच्चे हैं, पढ़ाइए लिखाइए कहाँ से मैनेज करें? इतनी रोज रोज दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ने से सारे चीज़ों का भाड़ा बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो है सब्जियों के दाम, अनाज के दाम, हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं। ऊपर से गैस का दाम कितना मार सहेंगी, ये गृहिणियों का उत्पीड़न है। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि बढ़े हुए दाम वापस। क्या लगता है कि आपकी बातों को केंद्र सरकार सुन पाएगी? हम लोग गृहिणियाँ हैं, घर से निकल के हम लोग सड़क पे आ जाएंगे और हम लोग इन लोग इसका बहुत ज़्यादा विरोध करेंगे। प्रिया जी, एक अहम सा सवाल उठता है, वाराणसी के सांसद, देश के प्रधानमंत्री, क्या उनसे मांग करेंगी? क्या उम्मीदें थी, क्या वो उम्मीदें पूरी हुई? महंगाई महंगाई और महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगी? सांसद जी अपने संसदीय क्षेत्र का क्या पूरे देश में एकदम नकारात्मकता आ गई है उनकी वजह से? मैं यही कहूँगी, जिस सोच को लेके जनता ने उनको चुना था, वो अपनी सोच पे सही नहीं उतरे हैं। कहते कुछ है, करते कुछ है, ये उनकी सबसे बड़ी विडंबना है देश की, कि हमारा ऐसी सरकार है जो कि कहती कुछ है और करती कुछ है। इनके राज्य में सबसे ज़्यादा महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ था।